हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम राजनीतिक विज्ञान के एक सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत। ए और बी आपको कोई सा भी चुन लेना है, ठीक है। बुक का नाम है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। मतलब भारत की जो आप विदेश नीति है उसके बारे में ये जो बुक है ये है। तो आज की वीडियो में हम इस बुक का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसका एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का जो है यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है, मतलब ये वीडियो आपके लिए है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर 7वें महीने में, ठीक है, 24/7/2023 को हुआ था, इवनिंग शिफ्ट। तो ये ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर के बारे में और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इन चीजों के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करिए, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन पेपर में से ही डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर क्वेश्चन पेपर का कुछ पोर्शन आपसे पूछा जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। कुछ बेसिक चीजें, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे पेपर करने के लिए, और आपका टोटल पेपर का जो नंबर है वो होगा 90 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करें, किन्हीं भी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टोटल जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन टोटल 10 दिए गए हैं। तो 10 में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। जितने भी प्रश्न हैं उनके सभी प्रश्न के अंक जो है वो समान है, मतलब कोई भी क्वेश्चन कम या ज्यादा नंबर का नहीं है, सभी क्वेश्चन समान नंबरों के हैं। किसी भी एक लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश में आपको देना है पूरा का पूरा पेपर। अब बात करें क्वेश्चंस की, अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इसके कंप्लीट आंसर्स भी चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करिए। जल्द से जल्द हम एग्जाम से पहले आपको इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर के आंसर की वीडियो और साथ में पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका इस बारे में, इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में। समकालीन भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारक क्या है, ठीक है। वर्तमान समय में आप कह सकते हैं कि जो भारत की विदेश नीति है उसको निर्धारित करने के लिए कौन कौन से कारक या कारण हैं, उनको आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कम से कम आपको 6 से 7 का जो कारक है या फिर हम कहें कारण है, उनको एक्सप्लेन करना है। और साथ में आपको बेसिक चीजें थोड़ी सी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। जैसे कि व्हाट आर द वेरियस डिटरमाइंस शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया है, ठीक है। तो आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिए, ठीक है। शीत युद्ध का या कोल्ड वॉर का जो टाइम चल रहा था उस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन चल रहा था, ठीक है। उसमें भारत की क्या भूमिका थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस प्रकार का था कि वो किसी गुट में शामिल नहीं था, ना ही अमेरिका की तरफ था ना ही रशिया की तरफ था, वो एक पूरी तरह से निष्पक्ष था, ठीक है, अलग अपने अलग रूप से काम कर रहा था, जिसको तीसरी दुनिया भी कहा जाता था, ठीक है। तो शीत युद्ध के दौरान जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चल रहा था उसमें भारत की भूमिका क्या है, इस भूमिका का आपको वर्णन करना है। भूमिका किस प्रकार से बतानी है कि भारत ने किस प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में काम किया, ठीक है, शुरुआत में वो किस प्रकार का था, अगर कहीं युद्ध हुआ है तो भारत ने किस प्रकार उस युद्ध को समाप्त करने में या सॉल्व करने में भूमिका निभाई। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत बतानी है। सबसे पहले आप थोड़ा सा कोल्ड वॉर के बारे में डिटेल देंगे, फिर गुटनिरपेक्ष के बारे में डिटेल देंगे, थोड़ी सी ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। उसके बाद आपको देना है भारत की भूमिका के बारे में, तकरीबन 6 से 7 पॉइंट आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। कम से कम 6 पॉइंट तो होने ही चाहिए, बिकॉज आपका जो आंसर है उसमें 6 पॉइंट मिनिमम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, भारत चीन संबंध में सीमा विवाद के प्रमुख मुद्दा, एक प्रमुख मुद्दा है विश्लेषण, भारत और चीन के बीच में जो रिलेशंस है, ठीक है, उसमें आप कह सकते हैं कि सीमा के लिए विवाद, किसी जमीन को लेकर विवाद जो है वो प्रमुख मुद्दा रहा है और काफी लंबे टाइम से रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ही चालू हुआ है, काफी लंबे टाइम से रहा है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है मुद्दे के बारे में। अब मुद्दे के बारे में आपको जमीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई किस जमीन को लेकर लड़ाई चल रही है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, एक प्रकार से जो चीन है वो उसे अपना हिस्सा मानता है, भारत उसे अपना राज्य मानता है, ठीक है। मानने के लिए तो हम लोग ये एक प्रकार से वो है तो भारतीय राज्य, परंतु चीन उस पर अपना दावा जताता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। साथ में भारत के साथ कोई और भी अगर चीन का हिस्सा जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जिस पे चीन अपना जो आप कह सकते हैं कि दावा करता है कि हमारा हिस्सा है, तो वो चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार की बढ़ती संभावनाओं का वर्णन कीजिए उपयुक्त उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या, ठीक है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो आप कह सकते हैं कि ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, चीजों को लेकर उसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं, ठीक है।
तो बढ़ती संभावनाओं को क्या करना, वर्णन करना, एक्सप्लेनेशन देनी है भाई कौन कौन सी संभावना बढ़ रही है, किस प्रकार बढ़ रही है, ये सारी चीजें आपको बताना, उपयुक्त उदाहरण के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन देना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका, उत्तर शीत युद्ध काल में भारत और अमेरिका के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर शीत युद्ध काल मतलब कि शीत युद्ध के बाद का जो काल था, ठीक है, उत्तर का मतलब शीत युद्ध के बाद, या फिर आप किसी भी समय के पहले अगर उत्तर लगाते हैं तो उसके बाद का काल हो जाता है। तो आपको यहाँ पता है कि शीत युद्ध के बाद के समय में भारत को और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उनका आपको मूल्यांकन करना है, भाई किस प्रकार के संबंध भारत और अमेरिका के बीच में रहे हैं, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान कुछ ऐसा नहीं कहेंगे कि संबंध बहुत अच्छे थे, कुछ खास नहीं थे, पर नॉर्मल संबंध थे, ठीक है। तो शीत युद्ध के बाद का जो समय था उसमें भारत और अमेरिका के बीच में क्या संबंध रहे, इनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, भारत रूस संबंधों में समय के साथ आया बड़ा समय के साथ बड़ा बदलाव आया है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। भारत और रूस के बीच में जो टाइम के सब या समय के साथ साथ जो बदलाव आए हैं संबंधों में, इनको आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। भारत और चीन, सॉरी, भारत और रूस का संबंध काफी पुराना है, काफी गहरा है, ठीक है, लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान भी आप कह सकते हैं कि कई एक हद तक भारत के संबंध शीत जो यूरूस था उसके साथ काफी अच्छे थे, उससे पहले सोवियत संघ के साथ काफी अच्छे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, आपको बदलाव के बारे में बता रहे हैं तो व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, G20 में भारत की भूमिका की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। G20 में भारत की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना, मतलब क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है। मतलब काफी आप कह सकते हैं कि डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि ऊपर से बता देंगे, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स नहीं, आपको G20 में भारत की जो भूमिका है उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताना है, ठीक है। G20 वाला भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की हम यहाँ पे विदेश नीति की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो G20 भी उसमें काफी अच्छा आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको G20 के बारे में बेसिक डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में भारत की उभरती शक्ति की भूमिका की वर्णन कीजिए। देखिए आज विश्व क्या बन चुका है, बहुध्रुवीय बन चुका है। बहुध्रुवीय किस प्रकार का, शीत युद्ध के दौरान विश्व केवल दो ध्रुवीय था, ठीक है, मेनली एक ध्रुव अमेरिका की तरफ, एक ध्रुव रूस की तरफ, ये माना जाता था, ठीक है। अब विश्व में एक शक्ति नहीं रही, काफी सारी महाशक्तियां आ चुकी है, ठीक है। तो विश्व क्या बन गया है, बहुध्रुवीय बन गया है। तो इसमें भारत की जो उभरती हुई शक्ति है इसकी भूमिका बताना है, क्योंकि भारत देखिए आज अब आपके समय में, करंट टाइम में भारत पावरफुल बनता जा रहा है समय के साथ साथ, ठीक है। भारत की एक अलग पहचान बन रही है विश्व में, तो इन चीजों को आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना। अब यहाँ पे आप हर चीज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, भारत की सैन्य शक्ति को लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, भारत का जो उभरता हुआ व्यापार सेक्टर है उसको लेकर कर सकते हैं, भारत की जो पॉलिटिकल पावर है, ठीक है, जो कि काफी पावरफुल है, इस चीज को लेकर आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन दे देनी है। तो उभरती हुई शक्ति के बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि भारत किन किन कारणों से उभर रहा है और उसकी भूमिका क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विशेष संदर्भ में भारत के बढ़ते हुए प्रभावों का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विशेष संदर्भ में भारत के बढ़ते हुए प्रभावों का आलोचनात्मक, भारत का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है वर्तमान समय में, इस पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसमें भारत का जो बढ़ता हुआ आप कह सकते हैं कि प्रभाव है, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। किन कारणों से बढ़ रहा है, ठीक है, भारत में किस कारणों से ये जो व्यापार है, सेक्टर है, ये काफी ग्रो हो रहा है, तो ये चीज आपको यहाँ पे बता रही है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपको, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स यहाँ पे बतानी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में शॉर्ट नोट पूछा गया है, किसी भी दो टॉपिक्स को लिखकर, ठीक है। पहला आता है क्वाडा, ठीक है, क्वाड। दूसरा आता है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रतिक्रिया, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है, इस चीज को बताना है। तीसरा आता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके ऊपर आपको लिख देना है। और चौथा आता है टेररिज्म, मतलब आतंकवाद, ठीक है। ये जो चार टॉपिक्स दिए गए, किन्हीं भी दो टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से किसी भी टॉपिक को, जिस पे भी आप लिखने में एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप कंफर्टेबल हो, उसमें आपको लिख देना। टॉपिक्स चेंज होते रहते हैं, तो आपको लगभग बेसिक चीजों के बारे में बताना चाहिए। जैसे आतंकवाद है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या फिर इसको लेकर शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। तो आपको ये टॉपिक को अच्छे से कवरअप करना, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का हम कह सकते हैं कि थोड़े हद तक डाउन रहेगा, परंतु जलवायु परिवर्तन का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स को आपको क्या करना है, अच्छे से कवरअप कर लेना है अपने एग्जामिनेशन से पहले। अगर आपको इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर के आंसर चाहिए विद PDF, तो आपको हाँ
कमेंट करना पड़ेगा, आप कमेंट करिए आपको आंसर चाहिए, और जितना जल्दी हो सकेगा हम एग्जाम से पहले कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर है 10 के 10 क्वेश्चन और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो कि बन सकते हैं उनकी पीडीएफ आपको लाके पढ़ा के दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को जितना हो सके ग्रुप में शेयर करिए। आपके पास कोई भी ग्रुप है ठीक है व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, उसमें इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंचे। और साथ के साथ अगर अभी तक आपने हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज जाइए द लर्नर्स कम्युनिटी ऐप को डाउनलोड करिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप है आपके लिए, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पेपर भी वहां देखने को मिल जाएगा, साथ के साथ आपको और सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं, आपको कोई भी पे नहीं करना है, ठीक है। और जितने भी हमारे पेड नोट्स थे वो भी हमारे ऐप पे फ्री में अवेलेबल है, तो आप जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, और अगर आपको ऐप में कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट करिए या फिर ऐप के रिव्यू सेक्शन में जाकर रिव्यू दीजिए, हम उसके लिए जरूर काम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।